एवरीवन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने अभी पोस्टर आपने देखा है, आपने देख लिया होगा, मैंने लगा दिया है और मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। तो उस वीडियो में क्या है ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड हर एक आर्टिस्ट अलग अलग मीडियम्स में काम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसको वाटर कलर में आता है तो उसको ऑयल पेस्टल में नहीं आता, अगर उसको ऑयल पेस्टल में आता है तो उसको ऑयल पेंटिंग नहीं आती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग करने का तरीका होता है, उसका वो अलग अलग मीडियम्स में काम करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वो काम करता है। दूसरी बात ये है कि आपकी इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अलग अलग मीडियम में काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने एक नया सेशन शुरू किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 45 डेज का रहेगा। यस, पोस्टर में मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारा ऑयल पेस्टल कलर में पोर्ट्रेट की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 45 डेज की रहेंगी, और इस तरीके से सेशन ये आगे चलते आएंगे। ऐसा नहीं है कि 45 डेज का हो गया उसके बाद नहीं होगा, जैसे ही 45 डेज कंप्लीट होंगे आगे उसके बाद फिर से 45 डेज का सेशन आगे हमारा बैच जो है चलता जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि इसके अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं हैं। इसके अंदर जो है स्टूडेंट वो ही अलाउड होंगे जो या तो कॉलेज स्टूडेंट होंगे या आर्टिस्ट होंगे या फ्रीलांसर आर्टिस्ट या फिर आर्ट लवर्स। तो ये बहुत ये कंपल्सरी है इसके लिए। दूसरी बात ये है कि इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि एक तो आप आर्टिस्ट या फ्रीलांसर आर्टिस्ट ये होने चाहिए। दूसरा, मेरे हर एक बैच के अंदर 12 स्टूडेंट होंगे, 12 स्टूडेंट से ज़्यादा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, इसीलिए अभी से अपनी सीट को बुक करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये कि आपको ऑयल पेस्टल कलर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको पोर्ट्रेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको पोर्ट्रेट अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं पोर्ट्रेट सिखा रही हूँ तो हमें क्यों आना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इससे मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको ऑयल पेस्टल कलर में पोर्ट्रेट जैसे अप्लाई करना सिखाऊंगी कि पोर्ट्रेट के अंदर आपको ऑयल पेस्टल कलर को अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसके अंदर मिक्सिंग करनी है, किस तरीके से आपको लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट करना है, या आपको कैसे चलाना है, एकदम से डार्क नहीं चलाना, एकदम से लाइट नहीं चलाना, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ना कि वहाँ पर मैं आपको पोर्ट्रेट सिखाऊंगी। इसीलिए आपको पोर्ट्रेट बिल्कुल आना ज़रूरी है, ड्राइंग आपको आना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला है, मेंशन किया है कि आर्टिस्ट, आर्ट लवर, आर्ट स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर आर्टिस्ट ये ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी लोग स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं, या आप बिगनर्स हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आप बिगनर्स और आपको पोर्ट्रेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको पोर्ट्रेट बनाना बिल्कुल अच्छे से आता है लेकिन कलर अप्लाई करना नहीं आता, तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट नहीं आ रहा तो आप कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये रही फीस की बात, तो फीस सिर्फ 1100 रुपये है हमारी 45 डेज की। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक मंथ का कोर्स भी कहीं इंस्टीट्यूट में या कहीं करने जाते तो वहाँ भी आप 2000 या 1500 फीस आराम से वहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 45 डेज में 1100 रुपये में आपको सीखने को मिल रहा है, तो शायद इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो यस, जल्दी से आइए, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, 45 डेज के हमारे सेशन अभी नए से शुरू हो गए हैं, जल्दी से अपनी सीट को बुक कीजिए। और 12 स्टूडेंट्स अलाउड हैं और एक बैच के अंदर, उसके बाद आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही 45 डेज होंगे उसके बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा और जल्दी से फटाफट से अपनी सीट को बुक कीजिएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और अपनी सीट को बुक कीजिए। एंड यस, फॉरवर्ड कीजिए सभी लोगों को जो अब तक इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कलर अप्लाई करना नहीं आता है। एंड मैं बता दूँ, वहाँ पर मैं आपको आईज, नोज, लिप्स, जितने भी हमारे छोटे 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 जो चीज़ें हैं वहाँ पर, उसको मैं डिवाइड करके आपको कलर अप्लाई करना सिखाऊंगी, कैसे डेप्थ लेके आते हैं पोर्ट्रेट के अंदर, तो वहाँ पर सारी चीज़ें। एंड यस, पेपर की क्वालिटी भी बताऊंगी कि आपको कौन सा पेपर यूज़ करना है, कौन सा पेपर यूज़ नहीं करना है, किसका टेक्सचर ऑयल पेस्टल कलर के लिए बेस्ट है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। तो देख इस बात की, जल्दी से अपनी सीट को बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।